नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं पंडित राजगुरु शर्मा आप सभी का एक बार फिर से हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि केतु ग्रह के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए हमें क्या क्या खास उपाय करने चाहिए जिनसे केतु ग्रह के अशुभ प्रभाव से बचा जा सके। यदि किसी जातक और जातिका की जन्म कुंडली में केतु का अशुभ प्रभाव चल रहा है या अशुभ प्रभाव है तो उससे बचने के लिए भी हमें क्या करना चाहिए, सभी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली हर ज्ञानवर्धक ऑडियो वीडियो समय समय पर देखने के लिए मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं तो सबसे पहले हम केतु ग्रह से जुड़ी हुई कुछ जानकारियों के बारे में बात करते हैं। केतु जो ग्रह होता है ये एक पापी तथा नपुंसक ग्रह माना जाता है, किंतु पापी ग्रह होने के बाद भी ये शुभ फल प्रदान करता है। इसको फारसी में टुंब कहते हैं। केतु ग्रह का प्रतीक काली गाय, चितकबरी तथा भूरी पूंछ वाला कुत्ता भी केतु का प्रतीक माना जाता है। केतु राहु के इशारे पर तथा इसके बनाए रास्ते पर चलता है। केतु ग्रह की चाल भी राहु ग्रह की तरह उल्टी होती है। केतु ग्रह के अशुभ होने पर सर के बाल झड़ने लगते हैं, खांसी, नजला, आंखों में और सिर के कुछ हिस्सों में दर्द की पीड़ा सताने लगती है और घर में कन्या का जन्म होता है। मैं आपको एक खास उपाय ऐसा बता रहा हूं, चाहे केतु ग्रह का आपकी राशि पर कितना भी अशुभ प्रभाव पड़ रहा हो या कुरु प्रभाव पड़ रहा हो, तो ऐसे में आप मेरा ये बताए हुए उपाय करेंगे तो आपको तुरंत लाभ मिलेगा, तुरंत असर दिखेगा। आपको क्या करना है, 7 शनिवार लगातार दिन में 12 बजे दोपहर के समय अपनी लंबाई से 5 गुना लंबा लाल रंग का धागा लीजिए और किसी जटायुक्त नारियल पर लपेटकर बहते हुए पानी में प्रभावित करें और वहां से फिर हाथ जोड़कर घर वापस लौट आए। यदि आप ऐसा करते हैं 7 शनिवार लगातार, आपको तुरंत महसूस होने लगेगा, एकदम आपको अपना शरीर और दिमाग और सर हल्का सा होने लगेगा। यदि कहीं दर्द है आपके शरीर में, आंखों में, कानों में, गले में, उसमें भी आपको तुरंत लाभ मिलेगा। दूसरा उपाय है कि त्रयोदशी का व्रत करें और भैरव जी की उपासना करें और केले के पत्ते पर चावल परोसकर भोग लगाएं। तीसरा उपाय है गाय के घी का दीपक नियमित शाम को रोजाना घर में जलाएं। चौथा उपाय है हमेशा हरा रुमाल अपने साथ अपनी जेब में रखें और सुबह शाम माता पिता के चरण छूकर आशीर्वाद लें। पांचवा उपाय है तिल के लड्डू बनाकर सुहागनी स्त्रियों को खिलाएं। छठा उपाय है रविवार के दिन कन्याओं को मीठी दही या हलवा खिलाएं। सातवां उपाय है बर्फी के 4 टुकड़े करके पानी में प्रभावित करें। आठवां उपाय है पूर्णिमा के दिन रात्रि में खीर बनाकर चांदनी में रखें, सुबह को फिर इस खीर का कुछ भाग गाय को खिलाएं, कुछ कन्याओं को खिलाएं और जो खीर बचे उसे स्वयं खा लें। ऐसा करने से आपको अवश्य ही केतु के बुरे प्रभाव से, कुप्रभाव से राहत मिलेगी और तुरंत आपको महसूस होने लगेगा। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, मेरी माता और मेरी बहनों, मैं बहुत ही कम समय में बहुत ही सटीक जानकारियां आप लोगों के लिए लेकर आता हूं और वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने पेश करता हूं। दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, यदि किसी भी भाई बहन को, किसी भी जातक और जातिकाओं को अपनी जन्म कुंडली दिखवानी है, बनवानी है, हस्तक रेखा दिखवानी है या मस्तक रेखा दिखवानी है तो वो भी हमसे संपर्क कर सकता है, अपने जन्म कुंडली के अशुभ ग्रह दोष शांत करा सकता है, पितृदोष, सर्प दोष या मंगलिक दोष भी शांत करा सकते हैं।
यदि आपकी शादी का योग नहीं बन पा रहा है या संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या शादी होने के बाद संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, आपकी लव लाइफ में हमेशा धोखा मिलता है या आपकी लव लाइफ में खटास अनबन चलती रहती है या फिर परिवार में कलेश रहता है या शिक्षा में अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं, लाख प्रयास करने के बाद अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है, जीवन में सफलताएं नहीं मिल पा रही है या आप कर्ज के बोझ में डूब चुके हैं या विदेश से जुड़ी कोई भी समस्या आपको सता रही है या फिर राजनीति में आपको कोई अच्छा पद प्राप्त नहीं हो पा रहा है, बार बार हार का सामना करना पड़ता है या शत्रुओं से आपको भय रहता है या कोई भी शत्रु आपको जादू टोने द्वारा आपको परेशान करता है, आपको दुख पहुंचाता है, आपको संकट में घेर लेता है, सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम विधि विधान से आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन इसकी उचित फीस भी जमा की जाती है। दोस्तों, यहीं पर मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम और आप सभी करता हूं नमस्कार। फिर मिलूंगा नई ऑडियो वीडियो के साथ। जब तक के लिए पंडित राजगुरु शर्मा का आप सभी को जय हिंद, जय भारत।